आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की पकौड़ी। ये देखने में जितना टेस्टी है, खाने में उतना ही मजेदार है। इसे मुरमुरा के साथ भी आप खा सकते हैं। तो चलिए आलू की पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। आलू की पकौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर 4 मीडियम साइज का आलू लिए हैं। इसे छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और साफ पानी से धो लिए हैं। सबसे पहले चलते हैं बैटर बनाने के प्रोसेस में। बैटर बनाने के लिए यहाँ पर 1 कप बेसन लिए हैं, 1/2 कप चावल का आटा। अब इसमें सभी मसाला डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, थोड़ी सी गरम मसाला। यहाँ पर 2 कटे हुए हरी मिर्च लिए हैं, 1 चम्मच नमक, या फिर अपना टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर तैयार हो चुका है। इस तरह का गाढ़ा बैटर तैयार किए हैं। अब इसमें कटे हुए आलू डालकर मिला लेंगे। बैटर में आलू को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसे तल लेंगे। तेल को गरम कर लिए हैं, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब इसमें पकौड़ी डालकर तल लेंगे। पकौड़ी को तेल में डाल दिए हैं। 2 से 3 मिनट के बाद इसे पलट देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। इसी तरह पलट पलट कर तलेंगे पकौड़ी को अच्छी तरह पक जाने तक। पकौड़ी अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे निकाल लेंगे। इसे पकने में 5 मिनट लगे हैं। इसी तरह सभी पकौड़ी को तल लेंगे। सभी आलू पकौड़ी को तल लिए हैं। अब इसे मुरमुरा के साथ सर्व कर लेंगे। इसे मुरमुरा के साथ सर्व कर लिए हैं। इस पकौड़ी को आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।